दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम एशिया कप जीते तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी की रफ्तार, नसीम शाह का तूफान और पाकिस्तान के अन्य गेंदबाजों की धाकड़ गेंदबाजी के आगे आज बांग्लादेश की टीम अपना सर झुकाती हुई नजर आई। आगे कैसे पाकिस्तान की टीम ने शुरुआती 10 से 12 ओवर में ही 4 विकेट लेकर मैच को अपने नाम कर लिया था। पाकिस्तान की इस खौफनाक गेंदबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत और पाकिस्तान में एक बेहतरीन टीम कौन सी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों एशिया कप की जंग असली मायने में तो आज से शुरू हुई है। आपके जानकारी के लिए बता दिया जाए कि आज से सुपर फोर मुकाबले स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं सुपर फोर का पहला मुकाबला लाहौर में ही खेला जा रहा है। दोस्तों अफगानिस्तान की टीम श्रीलंका से हार गई, जिसके कारण बांग्लादेश क्वालीफाई कर गया, लेकिन आज का इस सुपर फोर का पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का होना है। ऐसे में जो मुकाबला देखा जा रहा है वहां पे आप सभी को बता दिया जाए कि मुकाबला शुरू होते ही एक ऐसी चीज आपको देखने को मिले कि आज तक एशिया कप के इतिहास में कभी नहीं देखने को मिली होगी। दोस्तों बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने पहले टॉस जीता और टॉस जीत करने के बाद में पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजी की रफ्तार अपनी ही धरती पर कुछ ऐसी दिखी देखकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी में कुछ ऐसे नजारे दिखा दिए थे कि देखकर किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोस्तों नसीम शाह पारी का पहला ओवर डालने आए, और दोस्तों इतने बड़े टूर्नामेंट में आपको पारी के पहले ही ओवर की पहली ही गेंद में और कोई विकेट मिल जाए उससे ठीक पता चलता है कि आपकी गेंदबाजी में कितना दम है। तो नसीम शाह ने दोस्तों पहली गेंद पर एक विकेट चटकाया। ठीक वहीं दोस्तों इस विकेट का फायदा उठाया शाहीन शाह अफरीदी ने। उनकी रफ्तार के आगे बांग्लादेशी टीम के बल्लेबाज ढेर होने लगे। दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी ने पारी के चौथे ओवर में लेकिन दास को ऐसी बॉल कराई कि उनके समझ नहीं आई कि बॉल स्टंप के कब लगी और कब उनका क्लीन बॉल्ड स्टंप हो गया। दोस्तों बांग्लादेश की टीम के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन ये तो केवल ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी थी। ठीक वहीं दोस्तों बता देते हैं कि हैरिस ने जैसे ही बॉल करना स्टार्ट की, मोहम्मद नईम कॉटन बोर्ड होकर 20 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों हैरिस रोप ने अपना दूसरा विकेट लिया और पाकिस्तान की टीम के लिए चौथा विकेट भी इसी प्रकार अपनी धीमी गेंदबाजी के चलते ऐसे निकाला कि बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से पाकिस्तान के जाल में फंस चुकी थी। और इस तरीके से दोस्तों 50 रन के अंदर ही दोस्तों 4 विकेट मिल गए 10 ओवर के अंदर ही, और बांग्लादेश की पूरी टीम ढेर हो चुकी थी। मात्र 47 रनों पर 4 विकेट बांग्लादेश ने खो दिए थे। और इस तरह से दोस्तों पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। इस मैच में जीत के साथ ही पाकिस्तान ने फाइनल में जगह बनाने के लिए अपना पहला कदम उठा दिया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 38.4 ओवर में दोस्तों 193 रन बनाए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान ने महज 39.3 ओवर में 3 विकेट खोकर 194 रन बना लिए और दोस्तों 7 विकेट से अपने मैच को नाम कर लिया। बांग्लादेश के लिए मुशफिकुर रहीम ने 64 और साकिब अल हसन ने 53 रन का योगदान दिया। नईम ने 20 रन की पारी खेली और पाकिस्तान के हारिस राउत ने 4 और नसीम शाह ने 3 विकेट लिए। तो दोस्तों पाकिस्तान के इमाम उल हक ने 78 और मोहम्मद रिजवान ने नाबाद 63 रन बनाए। बांग्लादेश के लिए तस्कीम सोरिकुन और मेहडी हसन ने 1-1 विकेट लिया। तो दोस्तों इस तरह से पाकिस्तान ने यह मैच अपने नाम कर लिया है। ठीक वही बात की जाए मोहम्मद रिजवान की, तो दोस्तों मोहम्मद रिजवान ने 71 गेंदों का सामना करते हुए अपने वनडे करियर का 11वां अर्धशतक पूरा किया। और ठीक वहीं पाकिस्तान को तीसरा झटका लगने के बाद में ये पूरा किया था दोस्तों मोहम्मद रिजवान ने अपना अर्धशतक। तो दोस्तों पाकिस्तान ने यहाँ पे सेमीफाइनल के लिए अपना पहला कदम चूज कर लिया है। अब देखना होगा 10 तारीख को भारत के खिलाफ मैच को जीत पाता है या नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।